हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरसर्स इंग्लिश क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन टुडेज एपिसोड वी विल डू एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसका रोल प्ले रिपोर्ट राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो वी हैव टू रीड सच टॉपिक्स. तो आज इस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं. बिना देरी के चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट विल नो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस वी ऑल नो वेरी वेल. एक्टिव वॉइस क्या होती है? जहां पर सब्जेक्ट जो होता है वह डूअर होता है. यानी एक्टिव वॉइस कब होती है? व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर और द एजेंट ऑफ द एक्शन. तो जो भी एक्शन किसी भी सेंटेंस में हुआ है, जैसे रवि sings a song. अब इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रवि. रवि क्या करता है? एक गीत गाता है. तो इस एक्शन को करने वाला कौन है? रवि. सो रवि इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, तो यहां इस वॉइस को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ एक्टिव वॉइस. अब यदि इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में बदलूं, तो देखिए मुझे क्या करना होगा. इन पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि जो हमें व्हाट का रिप्लाई मिला, यानी रवि क्या करता है? रवि एक गीत गाता है. तो जो व्हाट का रिप्लाई हमको मिला है उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लेंगे. तो यानी ए सॉन्ग. अब टेंस हम इसमें देखेंगे. टेंस है प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है एज पर द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से जो हमने सब्जेक्ट बनाया है सिंगुलर है तो इज ले लेंगे. प्लूरल होता तो आर ले लेते. मी होता, आई आता तो एम ले लेते. उसके बाद में जो भी मेन वर्ब है पैसिव वॉइस में वो किस में जाती है? थर्ड फॉर्म में. तो सिंग का वी थ्री क्या होगा? संग होगा. उसके बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे. और देखिए रवि जो है, रवि को हम यहाँ पर अंत में एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेंगे. और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर में व्हेन द सब्जेक्ट इज द अनडूअर ऑफ द एक्शन. यानी कि यहाँ पर इस एक्शन को रवि के द्वारा किया गया है. तो जो भी एक्शन किया गया है उस एक्शन को हमने यहाँ पर क्या लिया? सब्जेक्ट के रूप में लिया. और उसे किसने किया? जिसके भी द्वारा वह किया गया है उसको हमने यहाँ पर अंत में ले लिया. तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस. अब इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम ज़रा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले, एट फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू हियर is while doing passive voice some rules are to be applied. अब ये rules सबसे पहले हमें क्या करना होता है? What we have to do is we must take the object as the subject.
एज द सब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वाक्य को पढ़ करके जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। दूसरा, वी मस्ट टेक द हेल्पिंग वर्ब एज पर द टेंस। टेंस के अनुसार उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब विल बी इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है मेन वर्ब, दैट इज वी विल टेक इट इन थर्ड फॉर्म। ठीक। फोर्थ थिंग इज वी मस्ट टेक द सब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट एंड वी विल प्लेस बाय बिफोर इट। ठीक है, तो अब इसी रूल पर हम पैसिव वॉइस करते हैं। अब इसमें जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो वो क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर देखें तो हमें यही कुछ देखने को मिलते हैं, और इनको हम सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं तो किस प्रकार इनमें चेंजेस होते हैं। तो देखिए, जब सब्जेक्ट से इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो हाउ दे आर गोइंग टू चेंज। आई है, इसको यदि मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाऊंगा तो इसका मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिएगा, दैट इज मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बना, मी। और यदि मी ही ऑब्जेक्ट में हमको आ रहा है और उससे हम उसको सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आई। सेकेंड थिंग, We will change into us as the objective case, और यदि us किसी sentence में आ रहा उसको हम subject के रूप में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, we। इसी प्रकार you जो है that will remain the same in both the cases, he जो है वो हो जाएगा him, और him का क्या हो जाएगा, he। she जो है she का हो जाएगा her, और her यदि आए तो उसको यदि सब्जेक्टिव प्लेस पर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शी। इट जो है इट विल बी द सेम, और दे जो आए तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, देम में। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, और जब ऑब्जेक्टिव केस में हम ले जाते हैं इन चीज़ों को, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ले जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय को यूज़ करना है, जैसे बाय मी, By us, by you, by him, by her, by it, or by them। तो हमें इस प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जब ऑब्जेक्टिव केस में हम जब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस पे जाते हैं तो इस प्रकार से हमको चेंज करने होते हैं। तो इन बातों का यदि हम ध्यान रखें तो फिर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल केस में, कि कैसे उसमें हम एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो लेट्स सी दैट। Now, present indefinite tense. Present indefinite tense, जो कि हम tense वाले topic में बहुत clearly समझ चुके हैं, उसमें यदि कोई affirmative का वाक्य है तो देखिए उसका structure
सब्जेक्ट प्लस वी वन या फिर वी वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। उसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस हमको मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार मिलता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो हमें सेंटेंस ऐसे मिलता है, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब इन तीनों ही एक्टिव वॉइस को हम जब पैसिव में बदलते हैं, तो जब हम इनको पैसिव में बदलेंगे तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ये तो एक्टिव वॉइस का सूत्र हो गया, पैसिव वॉइस का सूत्र क्या बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो वी आर चेंजिंग दिस ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्टिव केस ले रहे हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज में लेने हैं, इज एम आर। उसके बाद जो भी वर्ब है उसको हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाना है, थर्ड फॉर्म में बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, और फाइनली जो सब्जेक्ट है उसको हमें यहाँ पे उस सब्जेक्ट का क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव केस ले लेना है। तो ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। इसी प्रकार नेगेटिव केस यदि आता है तो देखिए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हम सबसे पहला काम ये करेंगे, उसके बाद में डू डज का इसमें कोई रोल प्ले नहीं है तो उसके स्थान पर हम क्या ले लेंगे, इज एम या फिर आर प्लस नॉट, और मुख्य क्रिया जो है वो हमारी होगी थर्ड फॉर्म में बाय का प्रयोग करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव यदि आता है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए, तो पहला काम अपन क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, यानी इज एम आर, और ये अपन लेंगे किसके अकॉर्डिंगली, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हम लेंगे, उसके बाद में मुख्य क्रिया जो है वो हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, अंततः हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट ये जो हमारा आ रहा है ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बना उसको हम लेंगे, और फाइनली विल पुट द क्वेश्चन मार्क। अब हम ज़रा इन सेंटेंसेस को देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू, अब ज़रा हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें। देखिए ही प्लेज हॉकी, ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस जब बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे हॉकी, सिंगुलर है इज लेंगे, प्लेड हॉकी इज वी थ्री मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हिम, और यहाँ फुल स्टॉप। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, शी डज नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले मी को हम यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है आई, तो आई ठीक है। अब आई के साथ एज पर द रूल इज नहीं आता, आर नहीं आता, एम आएगा, आई एम नेगेटिव है नॉट, ठीक है, हेल्प का वी थ्री हेल्प्ड प्रीपोजिशन बाय, और ये जो शी है सब्जेक्ट से इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे तो शी का क्या हो जाएगा हर एंड फुल स्टॉप, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, डू यू ईट चॉकलेट,
चॉकलेट, डू यू ईट चॉकलेट। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा एज पर द फॉर्मूला। चॉकलेट को हम ले रहे हैं यहाँ पे, चॉकलेट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब चॉकलेट सिंगुलर है तो यहाँ पे हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हुआ इज चॉकलेट, और चॉकलेट थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इज चॉकलेट मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय का हम प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट से इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, तो यहाँ पे आ गया यू और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि डब्ल्यू एच वर्ड से हमको, इफ सपोज वी गेट समथिंग विच विद डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे वाट डू यू ईट, मान लीजिए इस प्रकार से हमको सेंटेंस मिला, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बने। तो इसके पैसिव के लिए देखिए डब्ल्यू एच वर्ड को हम एज इट इज़ लेंगे आंसर में, पैसिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड को हमने एज इट इज़ ले लिया, विल टेक इट एज यूजुअल, जैसा है वैसा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉट ले लिया, वॉट के बाद में देखो डू यू ईट, तो अब ये आगे तो सेम वैसा ही है जैसा हमने इसमें किया है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सो ईट से पहले हम लेंगे वाट इज ईट का हम वी थ्री लेंगे, ईटन बाय, और ये यू जो है ये लास्ट में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वॉट इज ईटन बाई यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। इसी प्रकार यदि डब्ल्यू एच वर्ड का ही एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, विच बुक डू यू लाइक, मान लीजिए ये सेंटेंस आया तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले विच को हम, विच बुक को हम एज इट इज ले लेंगे, विच बुक, ठीक है, विच बुक, ठीक। उसके बाद सिंगुलर है इज आ गया, विच बुक इज लाइक्ड बाय, और ये यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से हो गया। और इसमें डब्ल्यू एच ओ वर्ड जब आए तब क्या करना होगा, डब्ल्यू एच ओ वर्ड यदि हमको यहाँ मिलता है, सपोज करें विच के स्थान पे डब्ल्यू एच वर्ड यदि आता है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट, इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में बाय होम में। रिमेनिंग केसेस में डब्ल्यू एच वर्ड एज यूजुअल ही होता है, तो बाय होम में जब हम चेंज कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो इस प्रकार। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हु टीचेस इंग्लिश, अब इस सेंटेंस को यदि हम पैसिव में बनाएं तो ये क्या बनेगा, देखिए हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय होम में, बाय होम, ठीक है। इंग्लिश इसको हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, बाय होम इंग्लिश सिंगुलर है इज, ठीक है, टीच का वी थ्री क्या हो जाएगा, टॉट, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का एक्टिव पैसिव वॉइस अंक में बताए गए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको समझ में आए हैं, और इससे आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर बेस्ड एक्टिव वॉइसेस, उनको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।